आज एसएससी एमटीएस हवलदार का टोटल जो है तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और उसके हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और 8 जुलाई के बारे में हम जो पहले आप थर्ड शिफ्ट का देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, थर्ड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट में। और सेकेंड शिफ्ट आ गया और हम लोग थर्ड शिफ्ट को पहले देखेंगे। चलिए थर्ड शिफ्ट यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पे जाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला इसमें क्वेश्चन आया था यहाँ पे, देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट वाले तो सारे मिक्स हो गए हैं, तो आप तीनों को देख लीजिएगा, वहाँ से एक दो क्वेश्चन वहाँ से मिल सकता है, तो जैसा भी हो। नेक्स्ट आपको सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद जो है सबको जानते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान बिल के अंतर्गत कितने बिल लाए गए थे, तो किसान बिल के अंतर्गत में तीन बिल लाए गए थे, तीन किसान विधेयक बिल लाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 280 का संबंध है आपका वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 280 का संबंध है वित्त आयोग से। अभी कौन है इसके हेड, एन के सिंह इसके हेड है। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान कौन बनी थी, तो पहली महिला मुस्लिम सुल्तान जो बनी थी आपके रजिया सुल्तान बनी थी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है, तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो है कपिल देव की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो आपका कपिल देव की आत्मकथा हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मूला NaAlO2 हो जाएगा। सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaAlO2, सोडियम एल्युमिनेट। नेक्स्ट है मई 2022 को किसने विदेश सचिव किससे विदेश सचिव नियुक्त किया गया, तो विदेश सचिव कौन बने हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है विदेश सचिव। मई 2022 को किसे विदेश सचिव बनाया गया है, तो आपका विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है RBC का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा, तो RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है या फिर लाल रक्त कोशिकाएँ होती है। सिंपल सा RBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका रेड ब्लड सेल हो जाएगा या फिर लाल रक्त कोशिकाएँ हो जाएगी। नेक्स्ट है झूमर नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो झूमर जो आपका बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपका फेमस है। तो झूमर नृत्य कहाँ पे फेमस हो जाएगा, तो जो भी ऑप्शन होगा आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब, तो मेनली जो होगा आपका छत्तीसगढ़ के आसपास अगर ऑप्शन में होगा तो छत्तीसगढ़ होना चाहिए। नेक्स्ट है घूमर किस राज्य से संबंधित है, तो घूमर जो हो जाएगा राजस्थान से हो जाएगा। अगर घूमर पूछा होगा तो घूमर जो होगा राजस्थान से हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था, तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 जो पानीपत का युद्ध होता उसको लड़ने के लिए आया था, तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था बंगाल का गवर्नर बना के। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो आपका बिहार हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, तो आपका बिहार में है। नेक्स्ट है भारत में इमरजेंसी कब लगाई गई थी, तो भारत में इमरजेंसी 1962 में लगाया गया था, 1971 में लगाया गया था, फिर 1975 में लगाया था। तीन इमरजेंसी लगाया गया था और ये जो लगाया गया था आंतरिक कलह में लगाया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट है 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को किसने हराया था, तो भारत को हराया था न्यूजीलैंड ने हराया था, और कहाँ पे हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा रहा है कि कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका ये पूछा गया था कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था और भारत को हरा दिया गया था, और किसने हराया था, न्यूजीलैंड ने हराया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी पर भारत सरकार कितना परसेंट टैक्स लगाएगी, तो आपका 30% टैक्स लगाएगी डिजिटल करेंसी पर। भारत सरकार जो है डिजिटल करेंसी पे यानी बिटकॉइन पे आपका 30% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से, तो मेनली जो बात होता है आपका काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाता है। ठीक है, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से, आपका मेनली जो है पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और साथ साथ उड़ीसा और आसाम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चिराव डांस किस राज्य से संबंधित था, तो चिराव जो आपका मिजोरम से संबंधित था। चिराव डांस जो आपका मिजोरम का चिराव, आई थिंक मणिपुर, एक मिनट, चिराव यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा, चिराव डांस। इसी को ही क्या कहते हैं आपका चापचार कोट जो होता है, ये भी मिजोरम में होता है। नेक्स्ट है आपका शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो आपका कोशिका हो जाएगा यानी सेल हो जाएगा। सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। तो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो सेल हो जाएगा। इसका खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे बड़ा जीव किस संघ का होता है, तो ऑर्थोपोडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीव होता है किस संघ का, तो आपका ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा जीव होता है। नेक्स्ट है मंदिर की द्रविड़ शैली कहाँ पर दिखाई देती है, तो मंदिर की द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में दिखाई देती है, और ये जो मंदिर
मंदिर पूछा गया था होगा तो ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदिर की द्रविड़ शैली कहाँ पर दिखाई देती है, तो आपका दक्षिण भारत में, और कैलाशनाथ टेम्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खो खो गेम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो गेम्स में आपका 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो गेम्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, तो 12 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है, पंचम दा के नाम से किस सिंगर को जाना जाता है, तो पंचम दा के नाम से आर डी बर्मन को जाना जाता है। पंचम दा के नाम से किस सिंगर को जाना जाता है, तो आपका आर डी बर्मन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, रोहिणी घाटे का कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है, तो रोहिणी घाटे जो आपका कथक डांस से संबंधित है। रोहिणी घाटे किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे हमने कंक्लूड किया है। अब हम आते हैं सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब सेकंड शिफ्ट में आ रहे हैं, सेकंड शिफ्ट नेक्स्ट है आपका। सेकंड शिफ्ट में डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम की तरफ से खेलते थे, तो डेविड वार्नर जो है दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते थे। डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम की तरफ से खेले थे, तो आपका दिल्ली कैपिटल के तरफ से खेले थे। नेक्स्ट है, सराय नूर महल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका पंजाब में है। सराय नूर महल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजा श्रीधर कौन से नृत्य शैली से संबंधित है, तो राजा श्रीधर जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। राजा श्रीधर कौन सी शैली से नृत्य शैली से संबंधित, आपका कुचिपुड़ी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका तबला वादक है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका तबला वादक हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1707 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1707 में हुई थी। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जो आया होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द रोड टू मसूरी जो है लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। द रोड टू आर से रोड हो जाएगा, आर से रस्किन हो जाएगा। तो द रोड टू मसूरी जो पुस्तक के लेखक है आपके रस्किन बॉन्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा कितने प्रकार से किया जाता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करने का दो तरीका है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई कितने तरीके से करती है, तो दो तरीके से करती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.008 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है, 1.008 यूनिट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी समिति गठित की गई थी, तो हंटर आयोग जो है ब्रिटिश की तरफ से किया गया था, और आपका आईएनसी की तरफ से आपका तहकीकात समिति का गठन हुआ था। तहकीकात समिति, और ये किसको कौन लीड कर रहा था, तहकीकात समिति को, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, सबसे सुरक्षित और गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। सबसे सुरक्षित और गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात दूसरे स्थान पर, तो राज्य का पूछा, तो दूसरे नंबर पर कौन है, तमिलनाडु है। पहले पे कौन है, केरला है, दूसरे पे आपका तमिलनाडु है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर है, तो आपका तमिलनाडु दूसरे स्थान पर राज्य में कर रहा है। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार से कौन सी नदियाँ निकलती है, तो दक्कन के पठार के दक्षिण भाग से पूछा था, तो दक्षिण से पूछा था आपका कावेरी नदी। तो आपका डेक्कन पार्ट के दक्षिण, यानी ये आपका जैसे कि ये इंडिया हो गया, इसका डेक्कन पार्ट का जो फिर से बता दूं मैं कि मान लीजिए कि ये आपका इंडिया हो गया, तो ये आपका दक्षिण का दक्षिण पार्ट हो गया, इसका दक्षिण में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से कौन सी निकल सकती है, तो कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्कन के पठार के दक्षिण भाग से कौन सी नदी निकलती है, तो कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संघ सूची भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची में आती है, तो संघ सूची जो आपका भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में आती है संघ सूची। और इसमें कौन कानून बनाता है, आपका संघ जो है कानून बनाता है, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो संघ सूची भारत के संविधान के कौन से अनुसूची में आती है, तो 7वीं अनुसूची में आती है। नेक्स्ट है आपका, मान भारत स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत, यहाँ पे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना कौन से शहर से लॉन्च किया गया था, तो आयुष्मान भारत जो लॉन्च किया गया था रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जो है कौन से शहर से लॉन्च किया गया, तो रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, याओशांग उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याओशांग उत्सव जो है मणिपुर में राज्य में मनाया जाता है। याओशांग उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 20 से क्या संबंध है, आर्टिकल 20 का मतलब होता है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा मिल सकता है, उसको दो बार एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं मिल सकता है, यानी इसको कहते हैं डबल जियोपार्डी नहीं मिलेगा, यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा।
नेक्स्ट है हॉकी खेल में कितने प्लेयर होते हैं, तो हॉकी खेल में 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी के खेल में 11 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो कालबेलिया जो होता है राजस्थान में मनाया जाता है। कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य में संबंधित है, आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग, सॉरी यहाँ पे आपका जालियांवाला बाग घटना के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाएगा। तो जालियांवाला बाग घटना के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है लू डांस कहाँ मनाया जाता है, तो लू डांस जो आपका हरियाणा का है, लू डांस कहाँ पे फेमस है, आपका हरियाणा हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आया था करदांग मठ के बारे में आया था, फिर स्पाइरस जारा के बारे में आया था, और आपका सेडिमेंट्री रॉक के बारे में आया था, और एक्सप्रेस फॉर कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा एक्सप्रेस था, होप एक्सप्रेस, ठीक है, कैंसर के लिए होप एक्सप्रेस था। तो ये आपका इन सारे ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आपका सेकंड शिफ्ट में देखा गया था। और चलिए अब हम फर्स्ट शिफ्ट का बात करते हैं, पहले शिफ्ट में क्या क्या है आपका, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एमटीएस का 8 जुलाई का आया था आज पेपर है पहला, तो यहाँ पे देखिए 2022 में इसरो के सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो इसरो के सचिव कौन है, एस सोमनाथ हुए हैं। तो इसरो के 2022 में सचिव कौन बनाया गया है, तो आपका एस सोमनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है युवराज सिंह ने 6 छक्के कौन से स्टेडियम में मारे थे, कौन किस स्टेडियम में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, तो आपका डर्बन का साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के डर्बन में, यानी डर्बन साउथ अफ्रीका में युवराज सिंह ने 6 छक्के कौन से स्टेडियम में मारे थे, तो आपका डर्बन साउथ अफ्रीका में मारे थे। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला युद्ध हुआ आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका 1526 में, 1556 में आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और आपका 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होगा, तो आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 का होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था आपका 1907 में, कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था, सूरत स्प्लिट कहते हैं, और इसके हेड कौन कर रहे थे, रस बिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में सूरत सेशन में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुआ था, ऑप्शन क्या जगह 1906 में। नेक्स्ट है कादरी गोपालनाथ किससे संबंधित है, कादरी गोपालनाथ जो है कादरी गोपालनाथ आल्टो सेक्सो फेनोइस्ट, ये कोई नाम है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आया था ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आल्टो सेक्सोफोनिस्ट जो थे इसके कादरी गोपालन संबंधित है। नेक्स्ट है लूर नृत्य कहाँ पे होता है, तो लूर नृत्य आपका राजस्थान कहाँ से आ गया, तो आपका हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा लूर नृत्य आपका हरियाणा से होता है। नेक्स्ट है आपका द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका एनी फ्रैंक हो जाएंगी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है, आपके एनी फ्रैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल जो आपका तमिलनाडु का त्यौहार है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 108 में आता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, यानी राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 108 आता है। बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, तो बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका स्पीकर जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है 1526 के में बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो आपका इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इब्राहिम लोदी को। यंग फॉल माउंटेन क्या है, एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, जो कि क्या होता है हिमालय के युवा पर्वत जो होता है माउंट, देखिए यंग फॉल माउंटेन क्या होता है, आपके हिमालय माउंटेन को यंग फॉल माउंटेन कहा जाता है, और ये एक तरह का माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक कौन लागू करता है, कौन लागू करता है, तो आपका UNDP करता है। मानव विकास सूचकांक में आपका भारत का रैंक कितना है, 131 है, तो मानव विकास सूचकांक कौन लागू करता है, तो आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका कौन सा मठ सिक्किम में है, तो आपका रूमटेक मठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूमटेक मठ हो जाएगा, चाहे और भी कोई और भी बहुत सारे मठ है, तो आपका जो ऑप्शन में होगा आप उसके हिसाब से देख लीजिए। भारत सिक्किम में बहुत सारे मठ हैं, और यहाँ पे जो है एक अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ है आपका तवांग मठ है। आगे आने वाला है क्वेश्चन के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और कौन सा मठ है, आपका तवांग मठ है। नेक्स्ट है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो सात है, तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या है 7 है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा का मापन किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये किया जाता है सापेक्षिक गरीबी के आधार पे, गरीबी रेखा का मापन किसके माध्यम के आधार पे किया जाता है, तो आपका सापेक्षिक गरीबी के आधार पे किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस एक में 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, भारत का मुख्य
आर्थिक सलाहकार जो आपका अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया गया है। तो 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरम। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति जो थे आपके पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति जो आपका किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय के। और क्या क्या बनाए थे? तो आपका आपको जो है आपका एहोल इंस्क्रिप्शन जो है एहोल शिलालेख इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे शिफ्ट का क्वेश्चन देख लिया, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।